जब हमने कम्युनिटी टैब में एक पोल के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों से पूछा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, तो 48% किसान भाइयों ने खेत में तारबंदी के ऊपर वोट किया। इसलिए आप सभी किसान भाइयों की रिक्वेस्ट पर आज हम इस वीडियो में एक एकड़ खेत की तारबंदी करने में हमारा कितना खर्च आता है इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले अपने खेत की परिधि यानी कि खेत के चारों तरफ जो हमें तारबंदी करना है उसकी लेंथ निकाल लें। इसके लिए आप सबसे पहले खेत के एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई निकालें, दूसरे कोने से तीसरे कोने की लंबाई, तीसरे कोने से चौथे कोने की लंबाई और चौथे कोने से वापिस से पहले कोने की लंबाई, और इन चारों की जो आपने लंबाई निकाली है इनको जोड़ लें, यह आपके खेत की परिधि। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो में एक एकड़ खेत की तार फेंसिंग करने के लिए हमारा कितना खर्च आता है इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम मुख्यतः इन तीन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, बाउंड्री फेंसिंग कितने प्रकार की होती है। दूसरा, वायर फेंसिंग एक एकड़ खेत की करने में हमारी कितनी लागत आती है। तीसरा, तार फेंसिंग के क्या क्या फायदे। तो बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, बाउंड्री फेंसिंग कितने प्रकार की होती है। पहले पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, बाउंड्री फेंसिंग के कितने प्रकार है। बाउंड्री फेंसिंग मुख्यतः चार तरह की होती है। नंबर वन, बाब्ड वायर फेंसिंग, जिसे हमारे 80% किसान भाई यूज करते हैं। नंबर टू, चेन लिंक फेंसिंग सिस्टम। नंबर थ्री, क्लच वायर सोलर फेंसिंग। नंबर फोर, इलेक्ट्रिक फेंसिंग। हम इस वीडियो में बाब्ड वायर फेंसिंग के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और हमारे बाउंड्री फेंसिंग के जितने भी टाइप है इन पर भी डिटेल में एक एक सिंगल वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप खुद इन वीडियो को देखने के बाद में निर्णय ले पाए कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा फेंसिंग सिस्टम सही है और आपके बजट के हिसाब से भी कौन सा फेंसिंग सिस्टम सही रहेगा। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, एक एकड़ के हमारे खेत में बाब्ड वायर फेंसिंग करने में कितना खर्च आता है। सबसे पहले हम बाब्ड वायर फेंसिंग के अंदर हमें क्या क्या मटेरियल लेना है हम उसको समझते हैं। हमारे मुख्यतः चार मटेरियल लगेंगे। पहला हमारा बाब्ड वायर, दूसरा हमारा एंगल GI एंगल 2 mm थिकनेस वाला, तीसरा हमारा सीमेंट रोड़ी डस्ट और चौथा हमारा GI 24 नंबर वायर। इन तीन से चार मटेरियल के अलावा आपको और कोई सा भी मटेरियल बाब्ड वायर फेंसिंग के अंदर नहीं लगेगा। अब हम सबसे पहले अपने खेत की परिधि निकालते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा खेत वर्ग के आकार का है, तो उसकी लंबाई हुई 208 फीट और चौड़ाई भी 208 फीट ही रहेगी। इस तरह से हमारे एक एकड़ खेत की परिधि हुई 832 फीट और अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो यह आएगी 252 मीटर। अब यह हमारी लेंथ किस तरह से आई आप खुद वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। अब हम सबसे पहले बाब्ड वायर का जो हमारा खर्च आएगा उसको निकालते हैं। 1 kg GI कोटिंग बाब्ड वायर 105 रुपए के आसपास आता है, 2 से 3 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। टाटा बाब्ड वायर का 25 किलो का एक बंडल आता है जिसके अंदर हमें 300 मीटर बाब्ड वायर मिलता है। इसकी कॉस्ट है 2525 रुपए। चूंकि बाउंड्री लाइन की लंबाई 252 मीटर है और हमें 5 लाइन लगाना है, इस तरह हमें 1260 मीटर बाब्ड वायर की जरूरत लगेगी, तो हमारा बाब्ड वायर का खर्च आएगा 10,500 रुपए। यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि हमारा जो बाब्ड वायर की कॉस्ट आएगी वह डिपेंड करती है हमारे खेत की परिधि कितनी। चाहे हमारा खेत एक एकड़ का है लेकिन अगर वर्ग के आकार का है तो हमारे खेत की परिधि की लंबाई कम आएगी, और अगर हमारा खेत आयत के आकार का है तो इसकी लंबाई ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा खेत आयत के आकार का है और इसकी लंबाई है 544 फीट और इसकी चौड़ाई है 80 फीट, इस तरह से हमारे खेत की परिधि आएगी 1248 फीट व मीटर में 380 मीटर, यानी कि एक लाइन में बाब्ड वायर लगाने में हमें 380 मीटर की जरूरत लगी। चूंकि हमारी 5 लाइन है तो 5 × 380 = 1520 मीटर, यानी कि हमें 1520 मीटर बाब्ड वायर लगे। 25 किलो के बंडल के अंदर 300 मीटर का बाब्ड वायर आता है जिसका रेट है 2525 रुपए। इस तरह हमें कुल 5 बंडल लगेंगे। इस तरह हमारा एक एकड़ तार फेंसिंग करने में बाब्ड वायर का कोस्ट आएगा 12,625। आप GI कोटिंग बाब्ड वायर का ही उपयोग करें क्योंकि इसमें जंग जल्दी से नहीं लगती
और आपका जो तार फेंसिंग है वह सालों सालों तक चले। आप खुद अपने खेत की लंबाई व चौड़ाई को निकाल कर बाब्ड वायर में आने वाली लागत को निकाल सकते हैं। चूंकि हमने यहाँ पर 5 लाइन दी है और प्रत्येक लाइन के बीच में 1 फीट के आसपास का गैप रखा है, इसलिए हमें 8 फीट के एंगल की जरूरत लगेगी। GI कोट 2 mm एंगल हमें 57 रुपए पर किलो के हिसाब से मिलता है। 8 फुट के एंगल का वेट 10 किलो के आसपास रहता है। इस तरह हमारे एक एंगल की कॉस्ट आएगी 570 रुपए। अगर हम 25x25 फीट पर एंगल के बीच की डिस्टेंस रखते हैं, यानी कि एक एंगल से दूसरे एंगल के बीच की दूरी 25 फीट है, तो इस तरह हमें 50 एंगल लगेंगे। हमें सिंपल कुल परिधि में हमने जितने भी एंगल के बीच के डिस्टेंस रखी है उससे भाग देना। हमारी कुल परिधि थी 1248, हमने उसमें 25 का भाग दिया तो हमारी कुल संख्या ही 50 है, यानी कि हमें 50 एंगल लगेंगे। चूंकि हमें कॉर्नर के एंगल को सपोर्ट देने के लिए एक्स्ट्रा एंगल की जरूरत लगेगी, जिसकी संख्या रहेगी 8। इस तरह से हमें कुल 58 एंगल लगेंगे। 8 फीट के एक एंगल की कॉस्ट आई थी 570। इस तरह से हमारे 1 एकड़ खेत की तार फेंसिंग में एंगल का कुल खर्च आएगा 33,060 रुपये। अब हमारे खेत की परिधि जितनी कम रहेगी हमें उतने ही कम एंगल की जरूरत लगेगी। आप एक एंगल से दूसरे एंगल के बीच की डिस्टेंस 25 से 30 फीट रख सकते हैं। अब यह निर्भर करता है कि आपके एंगल जमीन में कितनी मजबूती से गड़े हुए। अगर आप 2 एंगल के बीच की डिस्टेंस 30 फीट लेते तो आपको 50 एंगल ही लगेंगे। इस तरह से आपकी एंगल की कॉस्ट आएगी 28,500। इन एंगल्स को जमीन में गाड़ने के लिए हमें सीमेंट, रोड़ी, डस्ट व लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका खर्च आएगा 5,000 रुपये। अगर आप किसी कॉन्ट्रेक्टर के जरिए अपनी तार फेंसिंग कराते हैं तो आपको पर फीट के हिसाब से 12 रुपये देने पड़ेंगे। इस तरह से आपकी तार खिंचवाने की लागत आएगी 14,976 रुपये। आप खुद लेबर की सहायता से तार खिंचवाने का काम करा सकते हैं, इसमें आपकी लागत काफी कम आएगी। पर हम जो हमने कॉन्ट्रेक्टर के जरिए तार खिंचवाए थे उसी की कॉस्ट को लेते हैं। हमें इन तार को एंगल से बांधने के लिए 1 GI वायर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 300 रुपये के आसपास। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ बोब्ड वायर तार फेंसिंग का हमारा खर्च आएगा 65,571 रुपये। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके भी 1 एकड़ खेत की तार बंदी का जो खर्चा है वह 65,571 रुपये ही आएगा। हमारा तार फेंसिंग का खर्चा पूरी तरह से निर्भर करता है कि हमारे खेत की परिधि कितनी है। परिधि यानी कि हमारे खेत की चारों तरफ की बाउंड्री जहां पर हमें तार फेंसिंग करना है, यह इसके ऊपर निर्भर करता है। अब सवाल आता है कि परिधि क्या है और हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं। आप अपने खेत की परिधि खुद ही निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आप अपने खेत के किसी भी 4 कोने में से 1 कोने पर जाएं और 1 कोने से दूसरे कोने की लंबाई निकालें, दूसरे कोने से तीसरे कोने की लंबाई निकालें, तीसरे कोने से चौथे कोने की लंबाई निकालें और हमारे चौथे कोने से पहले कोने की लंबाई निकालें। आप इन चारों लंबाइयों को आपस में जोड़ दें। अब यह जो रिजल्ट आपको मिला है यह आपके खेत की परिधि है। अब आपके खेत की परिधि जितनी कम रहेगी आपका तार फेंसिंग का खर्चा उतना ही कम आएगा। इसलिए आप जब भी अपने खेत की तार फेंसिंग करें तो आप सबसे पहले अपने खेत की परिधि निकाल ले और खुद ही अपने तार फेंसिंग में आने वाली लागत को निकाल सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने खेत की परिधि निकाल कर उसे कमेंट कर दें। हम खुद आपके लिए कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपका तार फेंसिंग का खर्च कितना आता है। सिर्फ आपको अपने खेत की परिधि निकालना है, परिधि किस तरह से निकालना है यह हमने बता दिया। आप अपनी परिधि फुट या फिर मीटर दोनों में से किसी भी एक में हमें दे सकते हैं। और हाँ, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर हमारा 10 एकड़ का खेत तो जो हमारी 1 एकड़ में लागत आई इससे 10 गुना हमारा तार फेंसिंग का खर्चा आए, ऐसा नहीं है। हमारा तार फेंसिंग का खर्चा पूरी तरह से निर्भर करता है हमारे खेत की परिधि, इसलिए हर किसान भाई के 1 एकड़ तार फेंसिंग का खर्चा अलग अलग रहेगा। किसी भी किसान भाई का तार फेंसिंग का खर्चा सेम नहीं रहेगा। यह सेम तभी रह सकता है जब दोनों किसान भाइयों की खेत की परिधि सेम रहे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अपने खेत की परिधि भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके लिए यह जरूर मेजर करेंगे कि आपके 1 एकड़ खेत के तार बदली का खर्च कितना आए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।